हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यूज और हाउ टू फाइंड आउट रेसिड्यू एट सिंगुलर पॉइंट और सिंपल पोल और nth ऑर्डर पोल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू. तो रेसिड्यू की डेफिनेशन क्या है पहले वो समझ लीजिए. द कोफिशियंट ऑफ z माइनस a पावर माइनस वन, और क्या बोल सकते हो इसको, वन अपॉन जेड माइनस ए, राइट, इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अराउंड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी is called the residue of f of z, residue of f z, right, at that point. Thus in the Lorentz series, expansion of fz around z equal to a, that is fz kya tha basically, fz is nothing but a node plus a1 z minus a प्लस ए टू जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस बी वन ओवर जेड माइनस ए प्लस बी टू ओवर जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट. दिस इज द लॉरेंट सीरीज. द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z equal to a is nothing but that is b1. इस एक्शन एक्सपेंशन में जो वन अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशियंट है, दैट इज नथिंग बट द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z equal to a, राइट. तो क्या से लिख सकते हैं हम लोग, रेसिड्यू ऑफ f ऑफ a इज नथिंग बट द वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रल ओवर c fz dz, राइट. और अब बेसिकली इससे करेंगे क्या, हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी होगी जो भी हमें इंटीग्रल दिया होगा. सो दिस इज द अनदर मेथड टू फाइंड आउट द इंटीग्रल वैल्यू. सो fz dz, सो ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया, दिस इज 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ f एट a, और a क्या है, a वो सिंगुलैरिटी है जिसका आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं होगा, राइट. सो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला. अगर डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है तो आप लोग कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इज कॉल्ड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट दैट पॉइंट, बस यहाँ तक लिखेंगे. उसके बाद यहाँ तक लिख के ये सीधा फॉर्मूला बता देंगे, द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इज बी वन, दैट इज द रेसिड्यू ऑफ एफ ए वन बाय टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ एफ एट ए. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू ए, ऐसे भी बता सकते हो आप, क्लियर. तो अब हम निकालते हैं आपके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज, कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज, तो फर्स्ट समझेंगे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे. इफ एफ जेड has a simple pole at z equal to a, then तो क्या हो जाएगा, that is residue of f at a is nothing but limit z tends to a, okay, this is z minus a
इनटू एफ जेड। तो बेसिकली करना क्या है, रेसिड्यू ऑफ एफ ए निकालते हुए जो फैक्टर जिसकी वजह से वहां पर वो इन्फिनिटी हो रहा था वो फैक्टर कट जाएगा और बाकी जो फंक्शन बचेगा उसमें आपको जेड की वैल्यू ए रिप्लेस कर देनी है, इसका मतलब ये है। ओके तो इसके बाद में आपके पास में सेकंड आता है, ठीक है। वो सेकंड क्या है कि अगर आपका पोल इफ एफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एन, ये तो सिंपल पोल था मतलब पावर वन, और पोल ऑफ ऑर्डर एन हुआ तो एन एट जेड इक्वल टू ए, देन तब क्या करेंगे, सो रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल्स टू ए इज नथिंग बट वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट, दिस इज एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस ए टू द पावर एन इंटू एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू ए। आप यहाँ पर भी लिमिट जेड टेंस टू ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कोई यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हो लिमिट जेड टेंस टू ए, तो बाद में रिप्लेस कर लेंगे। अब देखो यहाँ भी सेम है, जेड माइनस जिस फैक्टर की वजह से आपका वो इन्फिनिटी हो रहा होगा वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी फैक्टर बचेगा आपको फंक्शन बचेगा उसको आप एन माइनस वन डेरिवेटिव उसका कर लीजिएगा, राइट। सो ये कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू। तो ये दो चीज़ें, एक सिंपल पोल है और एक एन ऑर्डर का पोल है। तो सिंपल पोल को हम लोग जनरली वैसे सिंपल भी बोल देते हैं कि सिंगुलरिटी एट दिस, तो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो गई कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू, और ये मैंने बताया था रेसिड्यू क्या होता है, ठीक है। अब रेसिड्यू थ्योरम भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक। सो रेसिड्यू थ्योरम क्या है बेसिकली, उसको भी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जेड वन जेड टू सो ऑन जेड एन विद इन सी देन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज नथिंग बट टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज विद इन दी कंटूर, राइट। अब इसका मतलब क्या, मैं वो बता देता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने भी आपकी सिंगुलैरिटीज रहेंगी या पोल्स रहेंगे जो भी कंटूर के अंदर है उन सब पर आपको रेसिड्यू निकालना है, और इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट टू पाई आई, और उन रेसिड्यू जो आपने निकाले हैं उस सिंगुलरिटी पर सबका सम करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय टू पाई आई, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल ओवर सी दैट इज एफ जेड डी जेड, राइट। तो क्या करना है, जितने भी आपकी सिंगुलरिटी इनसाइड है सर्कल के अंदर है, जैसे हमने कोचेज फॉर्मूला और कोचेज इंटीग्रल फॉर्मूला किया था बिल्कुल सेम, अगर जैसे आपकी जितनी भी सिंगुलरिटी इनसाइड द कंटूर है उन सब पर आपको क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है और उनका सम अप करके मल्टीप्लाई करना है टू पाई आई से, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, रेसिड्यू रेसिड्यू थ्योरम पर, कैसे रेसिड्यू निकालते हैं और कैसे रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करना है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।